हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रतीक मौर्य। तो दोस्तों, अभी मुझे रात में 2 बज चुके हैं और बैठने आए हैं शहर से, तो हम वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा सांप है। तो आइए दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों, अभी हम ये सर के घर पे पहुंच चुके हैं। इनका नाम है रामकृष्ण दारोकर। इनके घर पे एक सांप निकला है, तो अभी हम घर के अंदर जाके देखते हैं कि सांप कौन सा है। तो आइए दोस्तों हमारे साथ में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। आप आए जाओ डायरेक्टली अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है। ये कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है दोस्तों। ये सांप हमने अभी रात में 2 बज चुके हैं, 2 बज के कुछ मिनट पे हमने ये सांप रेस्क्यू करने आए थे बढ़ने का शहर में। और देखिए दोस्तों, ये सांप हमने अभी रेस्क्यू कर लिया है। ये स्नेक जो है, ये नॉन वेनमस स्नेक है। ये सांप में कोई जहर नहीं होता है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये सांप अभी रेस्क्यू हो चुका है। अभी ये सांप को हम कल सवेरे छोड़ देंगे। हाँ भैया, जहरीला है क्या वो सांप? नहीं मैडम, ये सांप जहरीला नहीं है। ये सांप में कोई जहर नहीं है। ये पूरी तरह से नॉन एनिमल्स, यानी इसमें कोई जहर नहीं है। अगर हमने आपका कॉल उठा लिया तो हम आपके घर पे आ जाएंगे कभी भी। और ये जो सांप है, इसका नाम है तस्कर। इसे तस्कर बोला जाता है इंग्लिश में। इसका नाम कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है। ये सांप नॉन वेनमस है, लेकिन ये सांप की पहले तस्करी होती थी। वो वजह से इसका नाम जो दिया होगा वो तस्कर दिया है, मुझे लगता है। आपके घर को ये दरवाजा खिड़की ये सब चीजें, ये इंसानों को रोकने के लिए। ये एनिमल जो ऐसा है कि वो कहीं से भी आ सकता है। वो आया कहाँ से, गया कहाँ से, ये बारे में हम कुछ आपको बता नहीं सकते मैडम। अच्छा, हमारे पड़ोसी भैया है, नंबर दिया आपका और आप आए हमारे इतने इमरजेंसी में रात के टाइम में। यानी अभी 2:30 बज रहा है। अभी पानी खाले माथा जोर दूर मतलब विशाल हेरे बाबू मोटा सांप आए। पहले तो कोई बहुत हाव ताले नहीं, ये सांप से आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये सांप में जहर नहीं है, लेकिन इसके बाद में अगर आपको ये सांप, ऐसा सांप अगर दिखाई दे यहाँ पे, तो इसको इतना डरने की कोई बात नहीं है। आप बेशक हमें कभी भी फोन कीजिए, हम आपके घर पे आ जाएंगे।
आपकी मतलब लेंथ इतनी रहती है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ है 5 फुट 4.5-5 फुट के बीच में ये सांप बढ़ता है सबसे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ये सांप 4.5-5 फीट तक के बढ़ता है। ये काटता क्यों मतलब सब सांप नहीं सांप ये भी काटता है सांप हर सांप काटता है लेकिन ये सांप अगर काटेगा तो आपकी बॉडी में कोई जहर नहीं आएगा ऐसा है नुकसान नहीं इससे इंसान को कोई नुकसान नहीं है पण आता भाऊ कधी पण अगर आपकी बात मेरे से अगर हो गई तो मैं आपके घर पर जरूर कभी भी फोन लगा सकता हूँ। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जंगल के बीच हमारे साथ में वन विभाग के कुछ अधिकारी ऑफिशियल्स हैं तो उनके साथ में हम यहाँ पे एक सिविट कैट हमारे दोस्त अतुल पुन इसने रेस्क्यू किया था कौन सा है तो वो सिविट कैट को हम यहाँ पे छोड़ने आए हैं और साथ ही साथ हमने एक धामन सांप है ये भी रेस्क्यू किया था तो इसे भी साथ में यही जंगल के बीच छोड़ देंगे। हमारे साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संदीप चौधरी साहब ये हमारे साथ में आ चुके हैं ये गाड़ी के साथ में वही आए थे हमारे साथ में मैडम ने इनको भेजा है हमारे साथ में कि हम जो एनिमल छोड़ते हैं तो वो सही सलामत यहाँ पे जंगल के बीच छूटेगा तो ये वजह से हमारे साथ में ये साहब आए हैं। हम अभी ये एनिमल को छोड़ के आपको बताते हैं कि कौन सा एनिमल था तो इसके अंदर है वो सिविट कैट अभी हम ये सिविट कैट को अभी छोड़ देंगे जिसे मासनेउद भी कहा जाता है ये मुर्दाखोर जानवर है तो देखिए अभी अच्छा लगाऊंगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मन और जो स्वीट कैट छोड़ी थी तो उसी के साथ में अभी जो हमने जो कल रात में जो सांप पकड़ा था तस्कर सांप ये पकड़ा था हमने बडनेरा शहर में से तो वहाँ से अभी इसे हम छोड़ने के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए हम अभी आपको बताते हैं ये सांप के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी। देखिए दोस्तों ये नॉन पॉइजनस स्नेक है इसमें कोई वेनम नहीं होता है बिना जहर वाला सांप है ये। देखिए दोस्तों ये सांप को स्थानिक भाषा में सोंगटा तस्कर ये सब कहा जाता है। ये सांप को इंग्लिश में कॉमन ट्रिंकेट स्नेक भी कहा जाता है। वैसे ये सांप को साइंटिफिकल नेम जो दिया गया है वो है को इलेग्नेटस हेलेना हेलेना ये इसका साइंटिफिक नेम है। दोस्तों ये सांप की आमतौर पर लंबाई 2 फीट 4 इंच 2 फीट 5 इंच तक के आती है लेकिन दोस्तों ये सांप जो है वो अधिकतम 5-5.5 फीट तक के बढ़ता है। ये सांप की मादी जो है वो मार्च से मई महीने के बीच 7 से 15 अंडे देती है। दोस्तों वो अंडों के बीच में से लगभग 65 या 60-65 दिनों के बीच में अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं। दोस्तों जब वो बच्चे बाहर आते हैं तो उनकी लंबाई होती है 20 से 25 सेंटीमीटर तक। और दोस्तों ये सांप जो है वो खाने में चूहा मेंढक छिपकली छोटे छोटे पक्षी और वो पक्षियों के अंडे ये सब ये सांप खाता है। ये सांप बेहद ही शर्मीला सांप होता है। ये सांप कभी काटता तो नहीं लेकिन अगर इसे अगर आप छेड़ोगे तो ये सांप उसकी बॉडी को ऐसा
नज़दीक में सिकुड़ कर एस शेप बना लेता है और फिर वह ये मुंह खोलकर सामने वाले के ऊपर अटैक करता है। तो ऐसा ये सांप है दोस्तों, देखिए जब एग्रेसिव होता है तो उसकी बॉडी को ऐसे फुला लेता है दोस्तों ये सांप, देखिए अब ये थोड़ा अटैक के पोजीशन में आ चुका है, इसने अपनी बॉडी को फुला लिया है दोस्तों, देखिए ये ऐसे इसकी बॉडी को फुला लेता है। तो दोस्तों अभी हम ये सांप को छोड़ देते हैं, तो देखिए तो दोस्तों देखिए ये सांप कैसे चलता है। ये सांप वैसे तो ज़मीन पर और खाने की तलाश में कभी कभी पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको मेरी ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, बाय।